उसको। जी मैडम मैं बोलना चाहता हूँ वो आदमी बचना नहीं चाहिए। ओके आप दे दीजिए, मैं एक बार ही देख लेती हूँ। नहीं अब की बार वो बचना नहीं चाहिए मैडम, अब की बार बहुत हो गया उनका और मैंने उसका बहुत नाटक देख लिया हूँ और बहुत समाज में गाली बुरी हल दे रहा मैडम, क्या बोलूँ मैं। ऐसे क्रिमिनल लोगों को कैसे छोड़ दिया आप लोग, राजस्थान पुलिस कैसे छोड़ सकती है। आपने अपना आधार कार्ड दे दिया था? जी ठीक है, मैं एक बार आप फिर से उस सारी फॉरवर्ड जो कर रही है आपने मेरे सर को, वो मेरे नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। जी मैडम मैंने आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर मैं बोलता हूँ पहला उनके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, और उनको ऐसी उनकी पूरी गैंग आपको मैंने वीडियो भी भेजा हूँ, आपको मैं पर्सनल भेज देता हूँ, सुनिए वो क्या कह रहा है। जी दे दीजिए एक बार। 3-4 दिन से लगातार वो बोल रहा है कृष्णा वीर गुजर ये है, मैं अभिनेता हूँ कृष्णा वीर गुजर, ठीक है, मैंने मेहनत से कोई अपने करियर को बदला हूँ, इस तरह नहीं हूँ, इस तरह इस लोगों जैसे घटिया लोग हूँ मैं, ठीक है। मेरे को एसपी कलेक्टर सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। जी, अब दीजिए, ये कुछ नहीं है मेरे सामने, 2 कोड़ी का लग रहा है, अगर इनको 2 थाप मारूंगा ना वहाँ आकर तो मैं बोलता हूँ कि वो पेशअप कर देगा। पर मैडम इस बात को मैं थोड़ा समझता हूँ कि भी मैं एक सेलिब्रिटी आदमी हूँ, इस तरह ये सब गलत यूज नहीं कर सकता हूँ, तो थोड़ा शर्म आना चाहिए मेरे को, क्योंकि समाज बैठी है, समाज से डरना पड़ता है, ये तो 2 कोड़ी का आदमी है, इनसे से मैं क्या डरूंगा, इनसे बड़े बड़े लोगों से नहीं डरा, तो ये क्या चीज है। डरता नहीं मैडम, भारत में रहता हूँ, देश का नागरिक हूँ, डरना किस चीज की बात में, जब गलती भी नहीं है तो डरने का कोई काम का नहीं हूँ, और जब जाता हूँ तो छाती ठोक के उससे मुकाबला करता हूँ, ऐसा भी आदमी हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप एक बार ही दे दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। जी मैम, और आपके पास अगर उनका नंबर हो तो आप वो भी दे दीजिए। उनका नंबर तो मैं आपको कोशिश करके भिजवाऊंगा। जी ठीक है मैम, ठीक है, और कोशिश करूंगा उनको कि उनको उनको मैडम अब की बार उधर वापस उसको छोटी मोटी जेल में मत डालना। जी उसको बड़ी जेल में डालना ताकि वो वापस कभी नहीं आए और अपने माँ बाप को भी नहीं देखे और अपनी समाज का मुंह नहीं देखे। जी, मैं रात से उनका वीडियो देख रहा हूँ ना, मेरा दिमाग आउट हो रहा है और फिर बार बार धमकी दिया जा रहा है, अब ये धमकी बहुत सहनी होगा मैडम, अब तो मुझे सवाई माधोपुर आना ही पड़ेगा और आपके सामने आके उसके 2 कनपड़ा मैं मारूंगा खड़ा होकर। और ये बोल रहा है कि मेरे नेता इतना पहचान है, मेरे इतना पुलिस वाले इतने पहचान है, मुझे छोड़ देते, पुलिस मेरे जेब में रहती है, वो उनका कहना तो ये है, आप पुलिस वाले उनके जेब में रहते हो। हाँ मैडम, हाँ जी, उनका कहना मतलब ये है कि मेरा कोई कुछ बाल नहीं बाका कर सकता है, तो क्या ये सुअर की पैदाइश ऐसे ही घूमेगा। आप एक बारी मेरे को इस नंबर पे तो सेंड कीजिए, मैं देखती हूँ फिर आपको फोन करती हूँ। ठीक है, भेजता हूँ। ओके धन्यवाद, जय हिंद। इनकी टाइगरी को ये काम करते खत्म कर देते हमेशा के लिए। हाँ चला, वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अभी यही तो यही होगा आपके, तो ये होगा। अभी भी लाइव आ रहा फेसबुक पे, कौन है बत्तीलाल? अभी लाइव आया था बत्तीलाल की, मैं बत्ती पूरी अच्छी तरह से बुझाना पड़ेगा बत्तीलाल। हाँ, वो कुछ बोलता नहीं, इतना बंद हो रहा है, बोल रहा नहीं है, लेकिन बेटा के लोग नहीं जुड़ रहे, मैं तो इधर जुड़ेंगे ही नहीं। अब बत्तीलाल को मेरी खुलेआम चेतावनी है कि तू 48 घंटों में सुधर जाएगा तो अच्छी बात है, ये तो सारे गुजर तुझे घर से बाहर आकर मारेंगे। हाँ बात है मेरे साथ, और मैं जल्दी से आने वाला हूँ सवाई माधोपुर क्राइम कंट्रोल ऑफिस में आ रहा हूँ मैं, और उसको वहाँ लाके घिसीड़ता हूँ मैं, और पूरी समाज को मैं सामने दिखाता हूँ ऐसे सपूत किसने पैदा कर दिया, तो समाज के समाज का भी नहीं है, भाई का भी नहीं है, तो किस चीज का काम था ऐसे ऐसे सपूत को, तो डायरेक्ट ये काम करना चाहिए कि इनको तो ऐसी जगह पे देना चाहिए ताकि वो कभी बाहर नहीं आना चाहिए, मेरी तो ये सब है। आप एक बार फेसबुक पे लाइव यार बोलो यार के भाई साहब सुधर जाए यार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए, मगर अभी थोड़ा कहते हैं कि मेरा एक शूट चल रहा है। लाइव था बोल रहा मैं आपको, अभी वो लाइव आई है। वो बात चाहिए, मेरी एक शूटिंग चल रही है, इसकी वजह से मैं बहुत बिजी हूँ भाई साहब, ठीक है, बॉम्बे में हूँ मैं, बहुत बिजी में हूँ और इस तरह मेरा काम नहीं रहता है। अब इनका तो हमेशा ही रहता है, ये तो सब फेमस होने के लिए सब करते हैं, मुझे फेमस नहीं होना है, मैं ऑलरेडी पहले से भी फेमस हूँ, मुझे इसको भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरी भी प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही प्रोफाइल भी हूँ ऑलरेडी, मेरा काम है
कि आप सबको समझाना मेरा काम है, समझाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो फिर साइबर क्राइम में भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। भाई जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, आप मैसेज करूंगा, रिकॉर्डिंग भेजो है ना भाई साहब। जी 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 जी, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ वो भाई साहब को पूछे नहीं आ रहा, बात करूंगा जो नहीं वो मतलब क्या हुआ, मतलब मंदराज जी का चैनल बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। किसने किया था रिमूव? तो यही तो नहीं बता रहा भाई साहब। कौन पूछ लिया मैं, यार बताओ यार भाई साहब कौन है वो? यार ये कौन सा चैनल बताया उस रिकॉर्डिंग में है यार, वो मैं देखूंगा अभी। प्रियंका म्यूजिकल। हाँ वो चैनल तो बंद हो गया बता रहा है। चालू है चैनल तो? नहीं मैं अभी बात की दोपहर में कि यार भाई मैंने बोला 3 स्ट्राइक से बंद होता चैनल तो। अच्छा, तो भाई साहब ने बोला भाई मेरा बड़ा चैनल है, 1 स्ट्राइक से बंद हो गया। तो मंदराज जी से बात किया था आपने? हाँ बात की, मैंने रिकॉर्डिंग भी डाल ली है मैंने अभी। तो मंदराज जी से बोले थे कि कृष्णा गुरुगुरु जी से बात करो? हाँ मैंने बोला, मुझे भाई साहब सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फोन करवा रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनना मैं आपकी बोल रही हूँ। अच्छा तो मेरे को पर्सनल भेजो। हाँ तो आपका व्हाट्सएप नंबर बताओ मुझे। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं हाई करके भेज देता हूँ। यही नंबर है आपका? हाँ हमारा यही है। चलो मैं देखता हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मेरी बात ठीक सुनो कि अगर वो लपड़ा अगर ज्यादा बढ़ाना है आपको मैटर तो आगे बढ़ा देते हैं, और अगर इसको बंद कराना चाहते हो तो बंद कर देते हैं। और दूसरे नंबर ये बात है कि इसमें कुछ लोग सिंगर लोग आ गए हैं, सुनिए मेरी बात, कुछ लोग सिंगर लोग आ गए इसमें, बहुत सारे सिंगर लोग आए राजस्थान के, सब बोल रहे भाई भाई के किसी को कुछ मत बोलो, तो मुझे कहते हैं कि उस तरफ से भी थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, समाज के भाई लोग हैं सब बोलते हैं तो शर्मिंदा होना पड़ता है। अब आप कह रहे हो कि उनका चैनल रिमूव कर दिया है, और वो कह रहे सुनो ना भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा भाई मेरा बड़ा चैनल है, इस बंद हो गया वो। तो ये करने वाला कौन है, नाम क्या उनका? रिकॉर्डिंग के यार भाई साहब ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं उतर जाने वाला हूं। चैनल के बारे में भी कोई बात नहीं, उनका रिमोट उनकी भी कंप्लेंट लगती है, उनके बारे भी सही क्रम में लग जाएगा। सपोर्ट करो आप, मेरे सपोर्ट फिल आप, वो भी उनके लिए भी वो उनके चैनल को वापस रिटर्न चालू करना पड़ेगा, कितना भी बड़ा होने दो ज्यादा उनको चालू करना पड़ेगा। और बात सुनो, 3-4 दिन से बहुत धमकी दे रहा है। हाँ जी, वो उनका नाम है बत्तीलाल टाइगर करके, अपना आपको बहुत बता रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो भी भेजा हूँ मैडम। हाँ जी, तो मैं आपका 2 दिन से कॉल का वेट, जिस नंबर से मैंने आपको कॉल किया आप मेरे को इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, मैंने आपको सब सेंड कर दिया हूँ, टोटल सेंड कर 888-888-3968 इस नंबर पे सेंड किया है। अच्छा अच्छा, उस नंबर पे भेजूँ आपको? जी मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ वो आदमी बचना नहीं चाहिए। ओके आप दे दीजिए, मैं एक बार ही देख लेती हूँ। नहीं अब की बार वो बचना नहीं चाहिए मैडम।